तो भैया आज आप एलईडी टीवी में क्या यूनिक बताने वाले हो? आज हम आपको डिफरेंट बताएंगे 32 इंच टीवी में असेंबल जो मार्केट में मिल रहा है 6,5600 रुपए वाला टीवी, उन टीवियों में क्या फर्क रहता है और हमारे जो बनते हैं इंडिया के टीवी, जैसे कि आप ये ब्रांड देख पा रहे हो यूनिवर्सल, वैसे इसमें बहुत सारे नाम आते हैं जैसे कि वाईवी हो गया, यूनिवर्सल हो गया, ब्रेनस्टोन हो गया। तो इन टीवियों में आप जूम करके इनको दिखाइए, यहाँ पे कोई सीरियल नंबर वगैरह कुछ नहीं आता है। अच्छा, सीरियल नंबर वगैरह नहीं आता है। इनको बोलते हैं चाइनीज पैनल वाला टीवी, जो अभी बिक रहा है 5600 में और 6000 में। जैसे कि ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए आप, ये जो टीवी है उसमें आपका परफेक्ट सीरियल नंबर आएगा, अच्छी IPS पैनल आएगी, 1GB 8GB का स्टोरेज आएगा। जैसे कि ये टीवी में स्टोरेज के बारे में बात करें तो 512 MB आता है, और दूसरा ये कि चाइनीज पैनल में बना हुआ माल छोटे मदरबोर्ड में आता है, इनका जो मदरबोर्ड लगा रहता है वो छोटा आता है। उसी की तरह बात करें तो इसमें मदरबोर्ड बड़ा आएगा, क्वालिटी अच्छी आएगी। इन चीज़ों का भाव होता है 6000 रुपये, 6500, 5600 रुपये। जो भी बेच रहे सब नो गारंटी में बेच रहे हैं, उसमें कुछ भी गारंटी नहीं देते। वैसे ही हम इसकी बात करें तो अगर आप ये गारंटी में लेते हो, छः महीने की फुल वारंटी आती है, तो 7500 का प्राइस बैठता है इसका। फिर ये यूनिवर्सल की हम बात करेंगे तो इसका प्राइस रेंज रहता है 9500 रुपये, 1 साल की पूरी वारंटी रहती है इसमें। तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और प्राइस के हिसाब से 9500 के हिसाब से एडवांस फीचर सारे इसमें। तो ये देखिए आप, लोकल टीवी में ऐसा नॉर्मल सा रिमोट आता है, फिर आप देखना चाहोगे हमारा ये इंडियन टीवी है, पूरा मेक इन इंडिया है, पूरा डिजिटल है, कुछ भी आपको चालू करना है सिर्फ एक बटन दबाना है, टीवी के अंदर पूरा वर्क करेगा। तो ये फास्ट वर्क कर रहा है, तो ये इसमें कमाल है, 1GB और 8GB का कार्ड है इसमें, ये इसमें आता है 512 MB का। ये आप डिफरेंट देख सकते हो, ये चालू हो गया अपना यूट्यूब इसमें।